हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी और आज की तस्वीर भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, राधे राधे जय श्री कृष्णा। बहुत ही सुंदर तस्वीर, ओ माय गॉड, कितनी सुंदर तस्वीर है ये। चलिए दोस्तों, आज की जो आप लोगों के लिए मैसेज है, स्पेशल मैसेज, वो स्टार्ट करते हैं। और मतलब एक बार फिर और कहूँगी प्लीज़ कि लुक एट द फेस ऑफ राधा कृष्णा, मतलब इनका चेहरा देखिए। चलिए दोस्तों, रीडिंग आपका मैसेज स्टार्ट करने से पहले, आपके चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ कोई अपना एनर्जी चेक लेना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन चाहते हैं, या कार्मिक या सोलमेट रीडिंग चाहते हैं, तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। मैं अदर आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी देती हूँ, और मेरा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यार और इतने अबंडेंस देने के लिए। आप लोगों का इतना अबंडेंट लव है कि मुझे बड़ी बरकत होती है आपके लव में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए कि ये जो एक पीरियड आया है, ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि गोल्डन पीरियड है, जहाँ पे आप अपनी यूनियन एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इवन आप अपना यूनियन मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। और इस बात पे मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ, इस बात पर मैं अब इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दोस्तों, जब आपके, जैसा कि आपको पता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, और श्राद्ध पक्ष में ख़ास तौर से हम लोग आपको बोलते हैं कि आप अपना एंसेस्टर हीलिंग करिए, अपने एंसेस्टर्स को खुश करिए, उनको लव सेंड करिए, उनको प्यार करिए, उनके नाम पे कुछ ना कुछ चैरिटी करिए, आप उनके नाम पे आप कुछ ना कुछ देते रहिए, तो इससे उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ कि एंसेस्टर्स की आपको क्यों इतनी हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो ब्लड लाइन है उसमें आप अवेकन हुए हैं, यू आर द वन हु गॉट अवेकन्ड। ओके, सो अब यहाँ पे ये होता है कि प्लीज़ डोंट गेट ट्रिगर, लेकिन आप आपके पूर्वज, यानी कि आपके जो पिछली पीढ़ी, आपके पूर्वज, या कह लीजिए आपकी ब्लड लाइन में कोई भी सोल या सोल्स जो कि मीन्स हाई रियलम्स में नहीं जा पाए, हाई डायमेंशंस में नहीं जा पाए, जिनकी अवेकनिंग नहीं हो पाई, और जो अवेकन नहीं हो पाए, और वो उनकी डेथ वैसे ही हो गई शायद, और वो ना क्या होता है कि वो लोअर रियलम्स में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, ये आत्मा जो होती है वो आपके लो डायमेंशंस में फंसी रह जाती है। और जब ये आत्माएँ, जो भी सोल्स होती हैं, वो जो लोअर डायमेंशंस में रह जाती हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जो हम कहते हैं कि आपको हाई वाइब्रेशनल, हाई डायमेंशनल ही कनेक्ट करते हैं, तो साथ ही साथ ये भी बहुत ध्यान रखिए कि जितने भी लोअर रियलम्स में, लोअर डायमेंशंस में फंसे हुए सोल्स होंगे, ठीक है, वो ज़रूर ज़रूर, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में आप अवेकन हुए हैं। ठीक है, आपके इवन मैं ये भी कहती हूँ कि अदर जो सोल्स होती हैं, जो कि जो लोग कई बार बोलते हैं कि नेगेटिव एंटिटीज़ क्यों अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, होना ही नहीं चाहिए, जब हम इतना स्पिरिचुअल हैं, जब हम इतना पूजा पाठ करते हैं, तो फिर नेगेटिव एनर्जी स्पिरिचुअल लोगों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं? तो उसका रीज़न है कि जो आप एक बात बताइए कि आप जब प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आप किसके पास जाएंगे? आप क्या अपने जैसे ही प्रॉब्लम में फंसे हुए के पास जाएंगे क्या? आप क्या किसी मीन्स इस टाइप की जो सोल्स हैं, वो क्या आपको क्या लगता है कि किसी 3D वाले के पास जाएंगे कि तुम मुझे हेल्प करो, जो कि उनकी बात को समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है, जो कि ये जो हैं, ये सोल्स जो हैं, जो कि लोअर रियलम्स में फंसी रह जाती हैं, बी इट योर एंसेस्टर्स, बी इट अदर सोल्स, अगर आपके सराउंडिंग में भी कोई नेगेटिव एंटिटी, तो वो भी बहुत जल्दी आपके साइड अट्रैक्ट हो जाती है। इसीलिए ऑरा क्लिनजिंग, ऑरा प्रोट्रैक्शन पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो चलिए, ये सब तो साइड में करिए, ये तो एक अलग बात थी। ठीक है, कि नेगेटिव एंटिटीज़ क्यों अट्रैक्ट हो जाती हैं स्पिरिचुअल लोगों की तरफ, क्योंकि वो चाहती हैं कि स्पिरिचुअल जो है पर्सन, जो कि ऑलरेडी हाई डायमेंशन में है, तो वो उनको भी राइज करवाएँ। ठीक है, उन सोल्स को भी राइज करवाएँ, और तो अवेकन सोल से ये
एक्सपेक्टेशन की जाती है। द सेम विद द विद योर एंसेस्टर्स, अगर वो किसी लोअर रियलम में फंसे रह गए हैं तो यहाँ पे ये बात नहीं होती अच्छा या बुरा की बात नहीं होती, किसकी डेथ कब किस सिचुएशन में हो गई होगी, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो लोअर रियलम में फंसे रह गए हैं और उनकी वो नहीं हो पाई है मुक्ति, तो वो आप ही की तरफ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अवेकंड हुए हैं, वो आपको पकड़ सकते हैं, आपके सहारे वो ऊपर आ सकते हैं, आप उनको हील कर सकते हैं। मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला है कि जिस परिवार में एक TF पैदा हो जाता है या कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन पैदा हो जाता है तो वो अपनी पूरी ब्लड लाइन को हील करता है, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना कि रीयूनियन, जो कि बहुत इनिशियल स्टेजेस पे समझा जाता है इस जर्नी को, TF जर्नी को, तो ये उतना केवल उतना ही नहीं है, आप बहुत सों को तारते हो, आप बहुत सों की हीलिंग होती है आपके साथ साथ, और बहुत से असेंड होते हैं आपके साथ साथ, ठीक है, बहुत असेंड होती है बहुत सारी सोल्स एक TF के आसपास, सराउंडिंग में, फैमिली में, उनके ब्लड लाइन में, उनके एंसेस्टर्स में, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सोल्स असेंड होंगी और वो हील होंगी, राइज होंगी, बहुत सारे लोगों का जो है तारनहार होता है एक TF, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपने एंसेस्टर्स को खुश करें, उनको राइज करवाएं, उनको असेंड करवाएं, उनके लिए अच्छी अच्छी एनर्जी सेंड करें, ताकि वो फिर क्या होता है जब वो आपके लोअर रियलम्स में फंसे हुए जो सोल्स होती हैं आपके ब्लड लाइन की, आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए जब आप उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको तार नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो परिवारों में क्यों ऐसा होता है कि किसी का वंश नहीं चल रहा है और किसी की बड़े गंदे कार्मिक टॉक्सिक में शादी हो जाती है और किसी का गलत लव रिलेशन में फंसा देते हैं, या फिर तो ये सब कौन करता है, ये सब यही सोल्स करवाते हैं, क्योंकि अगर वो नाराज़ हैं आपसे तो वो भी तो आपका भला नहीं होने देंगे ना, आपका मन चाहा वो भी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका मन चाहा भी नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, ये चीज़ वर्क करती है कि अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो वो आप, तो आप उल्टी सीधी शादियों में फंस जाते हैं, आपका TF यूनियन नहीं आ पाता आपका। कई बार जो बहुत सारे परिवारों में जो होता है, बोलते हैं कि मीन्स एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मुझे उसको, हाँ चलिए वो तो छोड़ दीजिए, अगर किसी लोगों के घरों में जो कलह क्लेश या जो है उनमें डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज रहती हैं, तो वो सब किस लिए होता है, वो सब इसीलिए होता है ना, कि आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश नहीं है, नाराज हैं, क्योंकि आप भी तो उनके लिए कुछ करिए, उन्होंने आपके लिए कितना किया है, देखिए उन्होंने आपको अपने फीचर्स दिए, अपना रंग रूप दिया, अपने नेचर दिए, उन्होंने कुछ कुछ ना कुछ खासियत उनकी आपको मिली ही है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिया है, ओके, तो उन्होंने आपको अपने अपना हिस्सा बनाया, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप भी अब उनके लिए बदले में कुछ करें। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये मैसेज आज का, इसीलिए है आप लोगों के लिए कि आप इनको अच्छे से हील करिए एंसेस्टर्स को, ताकि आपकी यूनियन एनर्जी क्लीन हो पाए, ठीक है, यूनियन की एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाए, आपको यूनियन आ पाए, अदरवाइज़ क्या होता है कि आप आपके अदर काम भी रुके रहते हैं, काम नहीं बनता, पैसे की कमी, फाइनेंसेस ख़राब, जॉब ख़राब, आपका यूनियन नहीं आ पाना, अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाना, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द एंसेस्ट्रल इश्यूज, ठीक है, तो आप इनको अगर हील करते हैं, आपके बेवजह कलेश बने रहना, ठीक है, अगर आप इनको हील करते हैं तो आप एंसेस्टर अपने पैटर्न हील करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारी समस्याओं से आपको अपने आप ही निजात मिल जाती है, अपने आप आप फ्री हो जाते हो बहुत सारी समस्याओं से, ठीक है, और आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और आसान हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हो आप करिए, उनके नाम पे चैरिटी करिए आप, ठीक है, अपने मेडिटेशंस में उनको याद करिए, प्रेम सहित याद करिए, उनके नाम से कुछ करिए, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो है गाय कुत्ते को खाना खिला सकते हैं,
आप बहुत सारे कौओं को खाना रख सकते हैं, आप ऊपर छत पे रख के आइए, जो कि चिड़िया कौवे अपने आप खा लेंगे वो खाना। मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो एक फैमिली के साथ रहते हैं, समटाइम्स अनमैरिड होते हैं, वो नहीं उतना कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नोटिस करता है कि ये क्या मतलब क्या कर रहे हो तुम अलग से। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हो, छोटी छोटी अपने लेवल की करिए, लेकिन उनको अच्छे से याद करिए, उनको खुश करिए, उनको प्यार सेंड करिए अपना, और फिर देखिए जो बरकत मिलती है आपको ज़िंदगी में। ठीक है, ये जो उल्टी सीधी एनर्जीज़ के साथ आप एंटेंगल हो जाते हो, फंसे रहते हो, ये सब फिर नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहता है, आपको इनसिक्योरिटी नहीं रहती। मतलब मैं गिना ही नहीं सकती कि कितने फ़ायदे हैं, मैंने खुद नोटिस किए हैं जितने फ़ायदे, वो सब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका जो है कलह क्लेश कम हो जाता है, आपका लोअर वाइब्रेशन में जाना कम हो जाता है, क्योंकि वो आपसे खुश होते हैं फिर जब आप उनको हील करते हो तो। ओके, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है, और इसको सीरियसली लीजिए, अच्छे से लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो गाय को रोटी खिला सकते हैं आप, वो तो कर ही सकते हैं आप। गाय, चिड़िया, कुत्ते को खाना दीजिए आप कुछ भी कर दीजिए। आप बाज़ार में जा रहे हैं, छोटी मोटी चैरिटी कर दीजिए अपने लेवल की। दान कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, दान दान होता है। ठीक है, दान, और दान ऐसा होता है जिसका बखान भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप ये करिए या वो करिए या कहीं। समटाइम्स आप लोग फंसे हुए होते हैं, आप नहीं कर सकते हैं उतना, जितना आपके लेवल का है वो करिए, लेकिन आपकी भावना देखी जाती है, आपके दिल की भावना सच्ची होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज की ये सारी बातें आप लोगों को कन्वे करके। ठीक है, और बिल्कुल एक याद रखिए कि आपकी जर्नी जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो मेरे पास कल एक आई थी DF जो कि थोड़ा सा घबराई हुई थी। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि वो डाउट की एनर्जी में, फियर की एनर्जी में जाते हैं बार बार उनको डाउट होता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस एनर्जी में हैं, तो आप अपने ना जो भी हम बताते हैं इनर चाइल्ड हो गया, आपका एंसेस्ट्रल इशू हो गया, इनको आप अच्छे से हील कर लेंगे ना, तो आपकी फियर, एंग्जाइटी, डाउटिंग के इशूज़ अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। फिर देखिए आपकी जो पर्सनैलिटी निकल के आती है, तो ये ज़रूर करिए आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे नोट पे बात ख़त्म हो रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगली बार मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।